नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। शादियों में आलिशान कार और सजी धजी गाड़ियों से बारात जाते हुए आपने खूब देखी होंगी, लेकिन उत्तराखंड के काशीपुर से आई एक बारात में दुल्हा ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचा। बॉर्डर पर किसानों की मांगों के समर्थन में पिछले कुछ हफ्तों से ये जुटे रहे हैं। इस युवक ने अपनी शादी को भी किसान आंदोलन से जोड़कर ही यादगार बना दिया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अनोखी बारात, ट्रैक्टर पर बैठे दुल्हा दुल्हन, किसानों के समर्थन में झंडे लिए बाराती, ट्रैक्टर चलाकर दुल्हन के घर पहुंचा दूल्हा, फूलों से सजा ट्रैक्टर, स्टेयरिंग थामे हुए दूल्हा और बगल में बैठी सजी धजी दुल्हन। पीछे किसान आंदोलन के समर्थन में झंडे लेकर चलते बाराती। और शगुन गीतों के साथ किसानों की कामयाबी की दुआएं करती महिलाएं। ये नजारा किसानों के समर्थन में निकली किसी रैली का नहीं, बल्कि काशीपुर के सिवलजीत सिंह और बाजपुर की संदीप कौर की बारात का है। जहां नव दंपति ने अपने जीवन के अनमोल पलों को किसान आंदोलन को समर्पित कर इसे यादगार बना दिया। गौरतलब है कि बाजपुर के ग्राम केशवाला निवासी सरतेन सिंह ने अपनी बेटी की शादी काशीपुर के तांडा दभोरा निवासी सिवलजीत सिंह से तय की थी। बारात काशीपुर के बाजपुर पहुंची तो रास्ते में लोग अनोखी बारात को देखकर एक पल के लिए चौंक गए। जहां दूल्हा सिवलजीत सिंह खुद ट्रैक्टर चलाते हुए अपनी बारात लेकर पहुंचा। और पीछे बाराती किसान आंदोलन के समर्थन में झंडे हाथों में लिए थे। विवाह रस्में निभाने के बाद बारात विदा हुई तो सिवलजीत ने फिर ट्रैक्टर का स्टीयरिंग थाम लिया और दुल्हन संदीप कौर उनके बगल में बैठ गई। इस दौरान दोनों ने एक बार फिर किसान आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया और काशीपुर के लिए रवाना हो गए। दुल्हा सिवलजीत सिंह ने बताया कि वो गाजीपुर बॉर्डर पर बीते कई दिनों से किसान आंदोलन में भाग ले रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार लंबे समय से किसानों की सुध नहीं ले रही, जिसे लेकर वो ट्रैक्टर पर बारात लेकर आए हैं ताकि सरकार जागे और कृषि कानून वापस ले। मैं शादी से चार दिन पहले गाजीपुर से आया बॉर्डर से, आंदोलन में वहाँ 15 दिन में स्टे लगाया मैंने वहाँ पे, और सब किसान वहाँ पे पहुँचे, इसलिए मैं ट्रैक्टर पर बारात लेके आया था। कारों में तो सब लाते हैं, सब किसान वहाँ जाएं, इसलिए मैं ट्रैक्टर बारात लेके आया था। पाँच तक कानून वापिस हो, फिर 3-4 दिन बाद मैं फिर वहाँ जाऊँगा। किले की काने कानून वापस लिए जाएं, क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं है किसान को कोई भी। टांडा दमोरा से, काशीपुर से, बाजपुर महाराजा पैलेस। बेटी हूँ मैं, चाहती हूँ कि ये काला कानून वापस हो, और मेरी शादी हुई को अभी 3 दिन हुए हैं। मैं भी गाजीपुर बॉर्डर पे जाना चाहती हूँ। मेरी सब बहनों से अपील है कि वहाँ पर जाएं, जितना जैसे कि मैंने ट्रैक्टर पे बैठ के ये शादी की है। मन की बेटी हूँ, काला कानून वापस होना चाहिए, को अपील है कि वहाँ पहुँचे। अब ट्रैक्टर पर आई बारात क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।
ट्रैक्टर पर आई बारात से दुल्हन भी काफी खुश दिखी। दुल्हन संदीप कौर ने कहा कि वो किसान की बेटी है और किसान आंदोलन से बहुत आहत है। उन्होंने कहा कि वो किसानों के दर्द को महसूस कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपने पति के साथ किसान आंदोलन में भी भाग जरूर लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो वाकई एक अनोखे उद्देश्य के साथ एक अनोखी शादी यहां हुई। हमारी ये खास रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।